ऑल राइट, हम लोगों ने चैप्टर वन एंड चैप्टर टू कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है, दैट इज परसेप्शन। इसके अंदर हम लोग परसेप्शन होता क्या है, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ परसेप्शन क्या होती है, तीन स्टेजेस होती है परसेप्शन की, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेंसेशन एक टॉपिक है, वो कवर करेंगे। आफ्टर दैट रोल ऑफ अटेंशन इन परसेप्शन, फिर लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, वो करेंगे। फिर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, साइज और शेप और कलर के बेसिस पे क्या हमारी एक कॉन्स्टेंसी बैठ जाती है, वो करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, ठीक है। अब मैं आज बुक से इसलिए करा रही हूँ, एक तो क्योंकि परसेप्शन चैप्टर में एज यू नो एग्जाम्पल्स हर चीज के बाद देने पड़ेंगे फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, एंड एग्जाम्पल्स बुक के अंदर दिए हुए हैं काफी अच्छे, एंड पिक्चर्स वगैरह मेन दी हुई है जो आप लोगों को दिखा दिखा के परसेप्शन के बारे में पूछा जा सकता है या एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस वजह से आज बुक से करा रही हूँ मैं, ठीक है। बट आई वॉन्ट बी रीडिंग ईच एंड एवरी सिंगल लाइन, आई बी एक्सप्लेनिंग फ्रॉम माई नोट्स ओनली। बुक में ये पिक्चर्स वगैरह के लिए मैंने यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो यार परसेप्शन का मीनिंग समझाऊँ, उससे पहले यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिख रही है, ये आपको क्या लगता है, ये क्या है? Am I हैट audible? अच्छा, so how do you know it is a hat? Because of शेप की वजह से हाँ, उसके शेप की वजह से आप ऐसा परसीव कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो कि वो एक हैट है, बट एक्चुअल में ये हुआ क्या है? इट इज अ पिक्चर ऑफ अ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर डाइजेस्टिंग एन एलिफेंट। बेसिकली ये एक एनिमल है जिसने एलिफेंट को निगल रखा है। तो एक्चुअल में है ये कुछ और, जो हम परसीव कर रहे हैं वो कुछ और। परसेप्शन, अगर हम इसी इमेज के थ्रू अगर बात करें परसेप्शन होता क्या है, तो परसेप्शन बेसिकली वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि हमारी इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि हम किसी चीज को देख के क्या परसीव करते हैं। जैसे आपने इसको देख के ये परसीव करा है कि ये एक हैट है, ठीक है, जबकि ये एक हैट नहीं है। जो ये है दैट इज दिस, ठीक है, एक्चुअल में ये है जो कि हमें लग रहा है दैट्स अ हैट। तो ये जो प्रोसेस है जिससे हमने परसीव करा है, इंटरप्रेट करा है किसी चीज को, उसको परसेप्शन बोलते हैं हम। ऑल राइट, कोई दिक्कत अभी तक किसी को? नो डाउट। ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ भी आए तो प्लीज मेरे को बता देना, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू सी दैट। अब परसेप्शन के बारे में क्या बोला है? परसेप्शन इज अ सेट ऑफ प्रोसेस व्हिच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है, उनको इंटरप्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। अभी ये पूरा पैराग्राफ वगैरह मैं नहीं पढ़ा रही, मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। तो सीधे हम आते हैं अभी कि व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये होता है परसेप्शन, हम जो इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को देख के, वो इंटरप्रिटेशन जो है उसमें जो प्रोसेस जा रहा है वो होता है परसेप्शन, ठीक है। हमारे जो आसपास की दुनिया होती है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और उसको जानने का जो प्रोसेस होता है वो भी ऑब्वियसली फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो इट इज नेसेसरी दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टिमुलस विल बी शेयर्ड बाय अदर्स आल्सो। ऑलराइट, अब जो आता है टॉपिक इसमें, दैट इज स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। स्टेजेस ऑफ परसेप्शन में क्या है ना, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन का ये सीन है कि सबसे पहले तो हम किसी चीज को, कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में एंटर करता है। जैसे आपने ऊपर ये देखा था, ये जो आपने ये हैट देखी थी, सबसे पहले आपकी आईज ने देखी ना, एंटर किया,
आपकी आईज के अंदर, आपने ये देखा उसके बाद ही परसीव कर सके। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज परसेप्चुअल इनपुट। ऑलराइट, यहाँ पे सबसे पहला सिलेक्शन लिखा है विच इज करेक्ट, बट अगर I'm really sorry, एक सेकेंड यार। खुश, आप चैट बॉक्स में कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बोलो। Am I audible? Yes. हाँ जी खुशी, क्या कह रहे थे आप बोलो। चलो आगे बढ़ते फिर, ठीक है। परसेप्शुअल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर तीन स्टेप्स आते हैं हमारे परसेप्शन की स्टेजेस जो होती है, दैट इज सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, ये हमारी पहली स्टेज है, ठीक है। सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या कहता है, आवर ब्रेन हैज लिमिटेड कैपेसिटी, इट कैन अटेंड टू इट कांट अटेंड टू ऑल द स्टिमुलस एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है ना वो स्पेसिफिकली मतलब किसी गिने चुने स्टिमुलस को ही अटेंड करता है, और जिस स्टिमुलस को वो अटेंड करता है उसको अटेंडेड स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, आपको पहली झलक आप इस फोटो की देखोगे तो एक चीज नजर आएगी आपको, अ ग्लास। हाँ, किसी और को कुछ और नजर आ रहा है, टू पीपल। राइट राइट राइट। सी, अब देखो इस इमेज के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो यहाँ से देखोगे आप तो ये फेस, टू पीपल जैसा किसी ने कहा, और अगर आप ऐसे में देखोगे तो ये एक वास बन जाएगा, ठीक है। तो इस इमेज के अंदर है दो चीजें, बट हम लोग फर्स्ट नजर में जब देखेंगे, पहली बार जब देखेंगे तो हम एक ही चीज को परसीव कर पाएंगे, हम एक ही चीज की तरफ ध्यान दे पाएंगे। तो उसी को बोला गया है सिलेक्शन, कि हमारा दिमाग किस चीज, एक स्पेसिफिक चीज को सिलेक्ट करता है या एक किसी स्पेसिफिक चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। Your interpretation of these two figures depends upon your on your organization of the information or and organization of the information in turn depends upon your attention. आपकी attention किस तरफ पहले गई है वो matter करती है, इसी वजह से आप ये देख पाते हैं कि इन दोनों में से क्या चीज आपको पहले दिखती है। कुछ कुछ लोग जो है वो पहले ज्यादा attention white portion को देंगे, हालांकि कुछ लोग जो है वो ब्लैक वास की तरफ पहले अटेंशन देंगे। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही ना उसपे, तो क्या पता कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखती ही खाली वास और पीछे का दिखता ही नहीं, जो दो फेस बने हुए हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनको फेस दिख जाता है वास पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, ये हमारी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, हम जो अटेंशन पे कर रहे हैं, हमारा जैसा दिमाग है, जिस तरफ को हमारा दिमाग दौड़ रहा है, सीधी भाषा में बोलूं तो ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेज जो होती है सिलेक्शन, उसके अंदर आ जाता है ये पूरा, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेज है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कहा है, स्टिमुलस आर अरेंज्ड मेंटली इन अ मीनिंगफुल पैटर्न, दिस प्रोसेस अकर्स अनकॉन्शियसली। अभी क्या होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, अभी जैसे ये देखा आपने, ठीक है, तो हमारे दिमाग के अंदर यार वास की तो ये ऐसा इमेज आ गया हमारे दिमाग में, वास की हमने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने दिमाग में कि हाँ यार ये ऐसे शेप का तो वास होता है, ये वास हो सकता है। अभी कुछ लोग जो व्हाइट साइड देख रहे हैं वो अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करके बैठेंगे यार ऐसा ऐसा क्या दिखता है, फिर उनको रियलाइज हुआ यार ये तो दो ह्यूमन के साइड फेस लग रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने दिमाग में अनकॉन्शियसली, वो सोच के नहीं करते कि हम इस चीज को पहले ऑर्गेनाइज करेंगे या इस चीज को पहले ऑर्गेनाइज करेंगे। जो उनके दिमाग में ऑर्गेनाइज हो जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला है, स्टिमुलस आर अरेंज्ड मेंटली इन अ मीनिंगफुल पैटर्न। अभी ये पिक्चर को देख के छोटा बच्चा कोई पिक्चर देखेगा और उसको नहीं पता चल पाएगा, तो वो एक बार ही वो समझ लेगा यार रैंडम कोई पिक्चर है, ऐसी कुछ भी है और इसमें कोई मीनिंगफुल है ही नहीं। बट बोलना है कुछ,
को बोलना है कुछ? ठीक है आगे बढ़ते हैं. अभी जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज इंटरप्रिटेशन. अभी इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, जो चीज आपने ऑर्गेनाइज की है मीनिंगफुली अपने दिमाग में, आप उसको इंटरप्रेट करोगे, मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि हाँ हमने छोटे होते सीखा था कि ऐसे करके ऐसे वास बनता है, मतलब बहुत गंदा बन रहा है सॉरी, ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे समथिंग सा वास बनता है, तो हम उसको समझ लेंगे कि हाँ ये वास है, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर हमारे एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे या कुछ भी, मतलब जो हमने पहले देखा हो, ठीक है. अब इंटरप्रिटेशन जो स्टेज है ना वो बहुत ही सब्जेक्टिव होती है, जैसा कि किसी का ध्यान फेसेस पे जाएगा और किसी का ध्यान वास पे जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव. यार किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है नेचर में, क्योंकि कोई बंदा किसी तरीके से सोचता है और दूसरा बंदा किसी और तरीके से सोचता है. इट डिपेंड्स कि सामने वाला इंसान, एक इंसान को, जैसे आप लोगों में से एक इंसान को ऊपर फेसेस दिखे और एक इंसान को पहले वास दिखा, तो जो उन्होंने इंटरप्रेट किया वो बहुत ही सब्जेक्टिव है. अब आप ये नहीं बोल सकते, दोनों जने लड़ने नहीं बैठ सकते भाई तूने कुछ और देखा मैंने कुछ और देखा, मैं सही बोल रही तू गलत बोल रही, ऐसा नहीं है. आप दोनों अपनी जगह ठीक हो बट आपके ऑब्जर्वेशन अलग है, आपकी अटेंशन अलग तरफ हो गई है, आपने इंटरप्रेट अलग किया है, ठीक है. तो ये स्टेज जो है बहुत सब्जेक्टिव होती है नेचर में, ठीक है, और सेम स्टिमुलस जो है वो डिफरेंटली डिफरेंट इंडिविजुअल के बेसिस पे इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है. ये यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है इस प्रोसेस का पूरे का, ठीक है. अभी नेक्स्ट जो है दैट इज थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन. अभी तक जो पढ़ाया उसमें किसी को भी दिक्कत कोई? नो. किसी को कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो? नो डाउट. ठीक है आगे बढ़े जी. ऑलराइट, एक सेकंड. ठीक है, अब जो है वो है थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन. अब थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन की बात की जाए तो दो तरीके की अप्रोच होती है, एक तो होती है बॉटम अप प्रोसेसिंग, दूसरी होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ठीक है, या बॉटम अप अप्रोच या टॉप अप अप्रोच, ठीक है, दो तरीके की अप्रोच होती है. अब बॉटम अप में क्या होता है, इसमें परसेप्शन जो होती है वो डायरेक्ट होती है कि मतलब आपने कोई चीज देखी और डायरेक्टली आपको जो सबसे पहले बात आपके मन में आई वो आपने बोल दिया, वो आपने इंटरप्रेट कर ली, ठीक है. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे आपने वास देखा तो कि हाँ वास जो ऊपर देखा था आपने तो उसमें आपने ऐसा परसीव किया कि यार ये चीज मैंने पहले भी कहीं देखी हुई है, तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ नहीं होता. आपने जो चीज पहले देखी वो आपने इंटरप्रेट करके सीधी सीधी बोल दी कि हाँ ये चीज ये है, चाहे वो हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो डायरेक्ट अप्रोच में यही सीन बैठता है यहाँ पे कि स्टिमुलस जो है वो सफिशियंट इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और इंटरप्रेट करता है मीनिंगफुली, और हमारे किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस या किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाय नहीं करता है यहाँ का इंटरप्रिटेशन. वहीं अगर टॉप डाउन प्रोसेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे परसेप्शन जो होती है वो इनडायरेक्ट करती है, और स्टिमुलस जो होता है मतलब एक सफिशियंट इंफॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड करता है. और इसमें होता क्या है, जस्ट अ सेकेंड भाई देखियो, तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को परसीव करते हैं. जैसे हमने ऊपर वास देखा था तो हमने वास में ये परसीव कर लिया कि हाँ हमने ये पहले देखा हुआ है, तो क्या पता ये वास ही हो, ठीक है. तो हमारे पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उस चीज को परसीव करते हैं. अब बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप या बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है वो जे जे गिब्सन जी के स्ट्रॉन्गेस्ट
एक व्यू था, उनका रखा हुआ व्यू था एक, या उनकी एक अप्रोच थी, ठीक है। और अगर टॉप अप की बात की जाए तो वो रिचर्ड ग्रेगरी की थी। आई एम सॉरी अगर ये मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रही हूँ तो प्लीज करेक्ट मी, ठीक है। अभी तक इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है ना यार? Can you explain those two differences again, the top down and श्योर bottom up? श्योर। देखो बॉटम अप जो होती है उसमें ये होता है कि आपने किसी चीज को देखा और उस चीज को देख के एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और आपने उसी से सोच लिया कि हाँ ये चीज है, उसी से इंटरप्रेट कर लिया। आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था कि यार ये चीज मैंने पहले ना देखी हुई है, क्या पता ये वही हो। अब जैसे आपने एक फ्रिज देखा तो आप उससे क्या ही इंटरप्रेट करोगे, आपको दिखा कि हाँ वो एक फ्रिज है तो ये एक फ्रिज ही है। बट अगर आपने कोई ऐसी चीज देख ली जो आपके लिए नई है तो आप वहां पे देख के ना उसको इंटरप्रेट करने लग जाते हो पहले की सोच सोच के, ये चीज ना ऐसी सी दिख रही है, क्या पता ये हो। जहां इन्फॉर्मेशन कम होती है, जहां पे आपको हाँ ये चीज ये अलग है, वो हो जाती है टॉप डाउन। इसको डायरेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि डायरेक्टली इसमें नॉर्मल सफिशियंट हुई है। अभी एक फ्रिज सामने पड़ा तो आपको पता है कि हाँ ये एक फ्रिज है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, देखा हुआ है, और आपके घर में भी होता है, नॉर्मल सी बात है। सामने फ्रिज रखा हुआ है, आपको पता है हाँ ये चीज फ्रिज है। अभी आगे आप कोई चीज ऐसी यहाँ देख लोगे कि आपको नहीं पता कि ये चीज है क्या, तो आप पीछे एक्सपीरियंस की वजह से या अपने माइंड में सोचने की कोशिश करोगे कि यार हमने ये चीज कहीं देखी है नहीं देखी, या कभी ये चीज हमने देखी हो, क्या हमने ये चीज यूज करी है या नहीं की। तो ये इनडायरेक्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो इसमें सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ठीक है, कि ये चीज है क्या आपको पता नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लग जाते हो कि यार क्या ये चीज पहले मैंने यूज की है, क्या मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में कभी मैंने ये चीज देखी है, तो वो टॉप डाउन हो जाती है। जहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाए, जहाँ पे सफिशियंट इन्फॉर्मेशन हो, वो बॉटम अप हो जाती है, ठीक है। बस ना मेन ये वर्ड याद रखना कि ये डायरेक्ट होती है, ये इनडायरेक्ट होती है, ये डाटा ड्रिवन होती है, मतलब कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इसमें, और ये एक्सपीरियंस ड्रिवन होती है जिसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दैट्स इट, इसमें और कुछ याद करने वाला नहीं है, ठीक है। समझ आ गया जिसने पूछा था? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है ठीक है, यार किसी को भी इस चैप्टर में थोड़ी सी भी दिक्कत हो ना उसी वक्त पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी इसी के बेसिस पे है, तो अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे वाले में आप लोग को दिक्कत आएगी। ऑलराइट, तो प्लीज बिना हिचकिचाए पूछ लेना, बोल देना, अगर लगे मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो बोल देना, क्योंकि ऑब्वियसली हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या पता किस चीज को लेके मेरा परसेप्शन है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो और आपका अलग हो, तो प्लीज अपना पॉइंट रखना इस चैप्टर में अच्छे से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेंसेशन। अब सेंसेशन इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट वी एस्टैब्लिश विद आवर फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ठीक है, सेंसेशन जो होता है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है जो हम एक फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जांपल दो यार, जस्ट सेकंड। जैसे कि हमारे हाथ पे गरम गरम सा एक पैन लग गया तो हमने उसको ऐसे टच करके एकदम से हम पीछे हट जाते हैं, तो वो एक हमारी एक सेंसेशन है, हमारा एक कॉन्टैक्ट है जो उस फ्राई पैन के साथ हुआ, वो बहुत गर्म गर्म था, हमने एकदम से रिएक्ट करा, उस सेंसेशन की वजह से ही हमने रिएक्ट करा। इट फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन एंड हाउ दीज इनपुट आर रजिस्टर्ड बाय आर सेंस ऑर्गन। बेसिकली इसका जो मेन फोकस होता है ना वो ये डिस्क्राइब करने में होता है कि सेंसरी स्टिमुलेशन का जो हम टच करते हैं उन चीजों का हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ जो इनपुट्स आता है उसका बेसिकली क्या रिलेशन है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट यूजिंग आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं बता सकता कोई? फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे, स्किन, ईयर्स, स्किन एंड टंग। ऑलराइट, हमारे ये पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो जब भी किसी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ
कांटेक्ट में आते हैं या टच होते हैं तो हमें एक सेंसेशन होती है, हमें एक कुछ कुछ महसूस होता है हमें, उसी चीज को हम सेंसेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है सेंसेशन का, वो ये होता है कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट से वी स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट यूजिंग आवर सेंसेस। हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज रिटन हियर, द फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स वी हैव, हम इनकी वजह से फिजिकल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी स्टार्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं परसेप्शन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब जैसे ऊपर आप लोग ने बताया था वो वास है या फेस है, ठीक है, तो आपने फेस जब देखा उस इंसान का तो आपने वो देखा, जब आप देख रहे हो तो आपकी आईज का यूज हो रहा है, और जिस चीज से आप देख रहे हो फोन से देख रहे हो जो कि एक फिजिकल एनवायरमेंट की चीज है और एनवायरमेंट में आती है फोन, ठीक है, आपने फोन से देखा, आपकी आईज हो गई सेंस ऑर्गन, यहाँ से आपने देखा, आपकी आईज ने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी और जो आगे प्रोवाइड करी परसेप्शन के लिए, जो इन्फॉर्मेशन ये जो गैदर करी, ये एक तरीके का सेंसेशन प्रोसेस में आगे एक तरीके की सेंसेशन हो गई, और इसी चीज को आगे आपने ट्रांसमिट करा जब अपने ब्रेन की तरफ परसेप्शन प्रोसेस के लिए, तो ये प्रोसेस ऑफ परसेप्शन यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ सेंसेशन की अगर हम बात की जाए तो हम डायरेक्ट ये चीज देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सही से बताया है, होता क्या है प्रोसेस ऑफ सेंसेशन में। सबसे पहले तो हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स किसी चीज को रिसेप्ट करते हैं। अब जैसे ये है यहाँ पे लाइट स्मेल या साउंड, किसी भी चीज को हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स ने रिसीव करा, ये हो गया रिसेप्शन। यहाँ पे मान लो यहाँ पे सन है, सन को देख रहे हैं, धूप को देख रहे हैं, ठीक है, हमारी आईज देख रही है, तो सेंस ऑफ ऑर्गन जो यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है, वो हो गया ये जो सेंस ऑफ ऑर्गन यूज हो रहा है उसको हम सेंसरी रिसेप्टर बोलेंगे, और जो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है ये हम रिसेप्शन बोलेंगे, क्योंकि हमारी आईज रिसीव कर रही है, दैट इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय आवर सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन होता है बेसिकली कन्वर्टिंग रिसीव फिजिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो हमारी नर्व इम्पल्सेज हैं इनके थ्रू हमारे जो फिजिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके इन नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। अब ये जब ब्रेन पे पहुंच गया तो जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस होगा दैट इज परसेप्शन। अभी समझ आया सेंसेशन और परसेप्शन कैसे रिलेटिव है? एक बार ये डायग्राम दोबारा से स्क्रीन कर दो। हाँ श्योर श्योर। बेसिकली इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे है कुछ समथिंग रिलेटेड टू लाइट साउंड और स्मेल, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक इंसान है जो अपनी आंखों से देख रहा है, या तो कानों से सुन रहा है या तो नाक से सूंघ रहा है, तो ये जो सूंघ रहा है या सुन रहा है या देख रहा है जो भी कर रहा है बेसिकली वो अपने सेंसरी रिसेप्टर्स से कर रहा है, मतलब उसके सेंस ऑफ ऑर्गन से कर रहा है, और वो बेसिकली देखा जाए तो रिसीव कर रहा है कुछ, तो जो रिसीव वो कर रहा है दैट इज रिसेप्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसने रिसीव कर लिया, ये उसने रिसीव कर लिया फर्स्ट स्टेज जो था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो उसने रिसीव करा वो यहाँ आगे नर्व इम्पल्स के थ्रू ट्रांजेक्शन का प्रोसेस हुआ। ट्रांजेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो होता है फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करना, मतलब जो उसने देखा, ठीक है, देखा उसने वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट से उसने जो चीज कैच करी उसको उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करा अपने न्यूरल इम्पल्स के थ्रू, ठीक है। ये जो चीज यहाँ से ट्रांसफर हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यहाँ ट्रांसफर हुई थ्रू नर्व इम्पल्सिस, ठीक है। अब जो यहाँ ट्रांसफर हुई है, यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन होगा उस पर्टिकुलर चीज का, वो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस हो गया हमारा परसेप्शन, ठीक है। लास्ट स्टेज जो है सेंसेशन प्रोसेस की, दैट इज इंटरप्रिटेशन। अभी समझ आया? हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, ठीक है। सीधी भाषा में बोले तो सबसे पहले जो आता है परसेप्शन स्टेज में दैट इज रिसेप्शन,
ठीक है, रिसेप्शन के बाद होता है ट्रांसडक्शन, सॉरी जवानी थी वहां पे, ठीक है, उसके बाद जो होता है दैट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अब समझ आ गया प्रोसेस ऑफ सेंसेशन, कोई दिक्कत किसी को अभी तक किसी चीज में? नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है ना, दैट इज रोल ऑफ अटेंशन इन परसेप्शन, ठीक है, आवर सेंसेस कैन रजिस्टर न्यूमरस स्टिमुलस एट अ गिवन टाइम, बट अटेंशन प्रोसेस हेल्प्स अस इन सिलेक्टिंग रेलेवेंट स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन। बेसिकली अटेंशन का क्या रोल होता है कि किसी भी हमारी, जैसे अभी आंखें हैं हमारी, वो पूरे दिन में इतना सब कुछ देखती है, अभी ये तो नहीं ना कि हर चीज को याद रखेगी, तो बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो उसी स्पेसिफिक चीजों को ही गैदर करता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम अगर अपनी बुक की भी बात करें, हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें कैसे पता चल जाता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है ये नहीं है? बेसिकली हम इंटरप्रेट ही तो कर रहे हैं ना किसी चीज को, परसीव ही तो कर रहे हैं उसको, तभी हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है ये चीज नहीं है, और हम हाईलाइट करके रख देते हैं तभी उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए। तो बेसिकली अटेंशन का जो रोल है परसेप्शन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत सारे स्टिमुलस को अटेंड करता है, बहुत सारी चीजें देखता है, लेकिन अटेंशन गिने चुनो को ही देता है, बेसिकली अटेंशन उन्हीं को देता है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, या फिर जो हमें परसेप्शन के लिए जरूरी होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। समझ आया? अब ना अब आगे बढ़ने से पहले इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पूछे हुए ना, जरा वो करते हैं प्लीज, ठीक है। पूछू क्वेश्चंस? ठीक है, बॉटम अप अप्रोच जो होती है या बॉटम अप प्रोसेसिंग जो होती है वो डायरेक्ट परसेप्शन इन्वॉल्व करती है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, डायरेक्ट, हाँ जी हाँ जी, डायरेक्ट, ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे एक बात बताओ, जो प्रोसेस ऑफ सेंसेशन है उसके अंदर कितने स्टेप्स है या कितने स्टेजेस है और क्या क्या है वो? First is perseverance, dusra process of perseverance, aur dusra output. Kya dobara bolna, sorry. Pehle kisi cheez ko dekhna, fir usko process karna electrical impulses ke through, aur fir usko uska perception apne brain mein create karna. Correct. But inka jo ek technical name agar bola jaye ya bookish name bola jaye to wo hai करेक्ट, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। हाँ जी हाँ जी, एक बार सारे तीनों नाम प्लीज बोलो। रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। हाँ ठीक है, अभी अगर स्टेजेस ऑफ परसेप्शन की पूछूं मैं, तो उसमें क्या तीन स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं? सिलेक्शन, प्रांजल आप बताना तीनों स्टेजेस। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। करेक्ट, थैंक यू सो मच यार, बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करो तुम लोग, बड़ा खुशी हो रही है मुझे, आई मीन बड़ी खुशी, सॉरी। ठीक है चलो, मतलब समझ आ रहा है सबको, ठीक पढ़ा रही हूँ मतलब मैं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आगे जो है दैट इज लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, दैट इज वेरी अच्छा। मैं एक चीज और बता दूं, आज ना हम गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और
परसेप्शन कॉन्स्टेंसी जो है ना और फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन जो है वो दो चीजें हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो आज हम ये एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टोर्स प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही बड़ा है, इसमें वक्त लगेगा काफी. किसी का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो, थोड़ा दिक्कत हो रही है, सॉरी. अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट. लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो तीन जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने मिलके बनाया है, दैट इज मैक्स वर्थमैन, वोल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कोफका. आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज करेक्ट मी. जिसको हम बोलते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल में हमारे पास बेसिकली छह लॉज आ जाते हैं और एक फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. ये मतलब लिखा यहाँ पे हुआ है एज अ लॉ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, बट ये एज एन फुल ऑन लॉ की तरह नहीं माना जाता, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ही बोल सकते हैं हम इसको. हमारी बुक के अंदर दिया हुआ ये लॉज जो चालू है मेन, वो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी से चालू है. ठीक है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप उससे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ एक तरीके का. फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप कराने से पहले ना मुझे ये बताओ कि इस इमेज को देख के किसको क्या समझ आ रहा है. बिल्कुल वैसी इमेज है जो हमने ऊपर देखी थी, वो वास और फेस वाली. चेस पीसी. हाँ जी, किसी को और कुछ दिख रहा है? Do you? हाँ जी, टू फिगर्स दिख रही है. करेक्ट. अभी फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होती है ना, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप हमें ये कहता है कि आप एक वक्त पे या तो बैकग्राउंड देख सकते हो या फिर फोरग्राउंड देख सकते हो. बेसिकली इसमें फिगर जो है इज द पार्ट ऑफ स्टिमुलाई विच हैज द फोकस ऑफ द विजुअल फील्ड. यानी कि ये जो इंसान है ये हमारे फिगर है. ठीक है, उसके बाद जो बैकग्राउंड है दैट इज हमारा फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. बोला ही इसलिए गया है, इसका नाम ही फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप इसलिए है कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड है हमारा और उसके ऊपर एक फिगर बनी हुई है. तो एक इंसान का या तो पहले ध्यान बैकग्राउंड पे जाएगा, ठीक है, या तो इस चीज पे ध्यान जाएगा पहले, या तो पहले इस चीज पे जाएगा. ठीक है, समझ आया? अब जैसा कि एक इंसान ने बोला आप लोगों में से कि यहाँ पे चेस की पीसेस दिख रहे हैं और दूसरे ने बोला कि ह्यूमंस दिख रहे हैं, तो बेसिकली आपको ये तो नहीं हो ना कि एक ही टाइम पे दोनों चीजें दिख गई हो. ये चीज उनको हो सकती है जिसने पहले ही बुक पढ़ के रखी हो या उसने पहले ही देख के रखी हो. ठीक है, अब बट जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको या तो पहले चेस दिखेगी, चेस की वो गेटिया दिखेगी, या फिर पहले उसको ये बैकग्राउंड में जो ह्यूमर है ये वो दिखेंगे. फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इस तरह इसमें कुछ नहीं है. जैसे हमने ऊपर वास वाला देखा था वो भी फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का ही एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम एक तरीके से. ठीक है, अब आता हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब पता है? मैं बताती हूँ. प्रॉक्सिमिटी का बेसिकली मतलब होता है नियरनेस और क्लोजनेस. तो ये जो प्रिंसिपल है ना वो ये बोलता है दैट व्हेन थिंग्स आर क्लोज टुगेदर और दैट अपीयर्स टू बी मोर रिलेटेड देन द थिंग्स दैट आर स्पेस्ड फॉर द अपार्ट. ठीक है, अब ये जो है ना ये कहता है कि चीजें जब एक साथ होती है ना तो वो एक पैटर्न में कुछ समझ आने को होती है या फिर वो याद की जा सकती है. ठीक है, वो बहुत रिलेटेबल होती है. बट वही अगर हम चीजों को दूर दूर कर देना तो उनसे हम कुछ रिलेट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे कहीं ना कहीं डायग्राम देख के फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपनी कंसेप्शन बताऊँ तो मुझे ऐसा ये डायग्राम देख के इतना ही नहीं समझ आया था. तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी है वो ये कहता है कि जब हम चीजों को इकट्ठा करके रखे तो वो समझ आती है हमें कि क्या है, वो हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं उन चीजों से. बट अगर हम उन चीजों को अलग 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 करके रख दें तो हम नहीं समझ पाते कि वो क्या चीज है. अगर हम बात करें एग्जाम्पल, अगर मैं कोई अपनी तरफ से देना चाहूँ तो
तो अगर एक थाली रखी है उसके अंदर ये अलग 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 खाना रखा है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ यार ये एक थाली है, इसके अंदर अलग अलग खाना है, ये एक प्लेटर है, एक फूड प्लेटर है। बट अगर हम उन्हीं खानों को अलग अलग रख दे ऐसे ऐसा ऐसा, तो हम उससे ऐसे जितना कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम अलग अलग नाम देंगे डिशेस के, कुछ पता भी नहीं होंगे हमें, तो हम उससे ऐसे रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर देखा जाए तो, ठीक है। बट वही अगर हम उस थाली की बात करें तो हमें नाम अगर डिशेस के पता भी नहीं होगा, हम फिर भी रिलेट कर लेंगे कि हाँ यार ये एक फूड प्लेटर है, ये एक थाली है, ठीक है, एक इसी स्पेसिफिक ये किसी स्पेसिफिक क्विजीन की थाली है, इसी स्पेसिफिक क्विजीन का फूड प्लेटर है, ठीक है, तो हम उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो इसमें यही बोला गया है, जब चीजें ग्रुप्ड कर दी हो या चीजों को पास लाके रख दिया गया हो तो वो ज्यादा रिलेटेबल लगती है, वो ज्यादा रिलेटेड अपीयर करती है एज कम्पेयर टू द थिंग्स जो कि स्पेस फर्दर होती है या फिर दूर दूर रखी होती है। करेक्ट करेक्ट। अब जैसे कोई थाली है तो उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाँ यार ये एक थाली है, इसके अंदर ये डिशेस है स्पेसिफिक, ऐसे ऐसा ऐसा। अभी अलग अलग खाना रखा हुआ उसको क्या इंटरप्रेट करोगे तुम लोग, खाना पड़ा हुआ है, ठीक है पड़ा हुआ है, उससे क्या इंटरप्रेट करें। बट एक थाली है तो इसका मीनिंग बनता है कि हाँ ये फूड प्लेटर है, ठीक है, समझ आया? यस। कोई दिक्कत किसी को? नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। एक तो हमारी बुक के एग्जांपल इतने भाई याद है, सच्ची बताऊं तो सीरियसली यार, मतलब हर एग्जांपल के अंदर सर्कल घुसा रखा है इन्होंने। डिफिकल्ट है बहुत। एग्जांपल यार होते हैं कि हम ईज कर सके चीजों को, इजीली हमें समझ आ सके, इनके एग्जांपल ऐसे कि बंदा कंफ्यूज हो जाए लॉस में। अभी चलो लॉज ऑफ सिमिलैरिटीज की बात करें तो इट सेज व्हेन थिंग्स अपीयर टू बी सिमिलर टू ईच अदर वी ग्रुप देम टुगेदर एंड वी टेंड टू थिंक दैट दे हैव सिमिलर फंक्शन। तो बेसिकली इसमें ना ये कहा गया है, जब कोई चीज ना सिमिलर सी दिखती है तो हम उसको ना साथ में रख देते हैं ताकि हम उसको समझ पाए कि हाँ ये, मतलब हम उसको साथ में ग्रुप कर देते हैं ताकि हम एक उसके बारे में सोच पाए कि हाँ इनके सिमिलर फंक्शन है। अब जैसे कोई यार तुमने देखा होगा, स्पेशली लड़कियों को ये पता होगी, जैसे पिंस होती है या फिर बैंगल्स होते हैं, तो बैंगल्स को हम लोग ना, जैसे अभी सिल्वर बैंगल्स है तो सिल्वर बैंगल्स को साथ रख दिया, अभी ब्लैक बैंगल्स है तो उनको सबको एक साथ रख दिया, ताकि हमें ईज हो जाए हमें कि हाँ यार ये सिमिलर है, ये चीजें एक साथ रखने वाली है, ये चीज एक साथ रखने वाली है। तो इसमें यही बोला गया, हाँ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में यही बोला गया है, जब साइज कलर या टेक्सचर या शेप की वजह से कोई को किसी चीज में सिमिलैरिटी हो या वो सिमिलर अपीयर कर रही हो ना, तो हम उसको एक साथ ग्रुप करके रख देते हैं ताकि हम उसके फंक्शंस को हम ये सोच सके कि, और हम मतलब ये सोचने लगते हैं उन चीजों को लेके कि हाँ ये चीज सिमिलर है तो इनके फंक्शंस भी सिमिलर होंगे। अब जैसे रबर बैंड्स है, तो हमने रबर बैंड्स को एक साथ रख दिया सबको, तो हमें पता है कि हाँ ये हेयर टाई है, ये हेयर टाई करने के काम आते हैं, ये रबर बैंड्स है ये इस चीज के लिए काम आते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर तुम एक बॉक्स के अंदर एक रबर बैंड रख दोगे, एक नेल पेंट रख दोगे, एक शूज घुसा दोगे उसमें, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें कुछ पता चलेगा क्यों रखा है ये तुमने, या एक खिलौना घुसा दोगे तो तुम्हें क्या ही समझ आएगा क्यों रखा है ये। अभी समझ आया? यस। तो हम उसको उस बॉक्स को बेसिकली ये बोल देंगे कि हाँ दिस इज अ बॉक्स ऑफ रबर बैंड, इस बॉक्स के अंदर जो रबर बैंड फंक्शन में पता है कि हाँ भाई हेयर टाई करने के काम आने हैं। अभी शू रैक है, जैसे शू रैक आई थिंक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का, कि हाँ हमें पता है इसके अंदर सारे जूते ही रखे हुए हैं। या इसके अंदर एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच वी टेंड टू ग्रुप पीपल बेस्ड ऑन द कलर ऑफ देयर जर्सीज। तो होता क्या है ना, अभी जैसे बास्केटबॉल मैच चल रहा है दो टीम्स का, एक टीम की टी शर्ट जो है वो रेड कलर की है, दूसरी टीम की पिंक कलर की है, ठीक है, सॉरी बहुत गंदे चॉइस ऑफ कलर है बट मुझे कलर यहाँ से चूज करना पड़ता है इसलिए जो सामने है वो निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो अभी हमको पता है कि यहाँ से कोई पिंक कलर की टी शर्ट वाला बंदा गुजर रहा है तो ये ए टीम का है मेंबर है, ठीक है, तो उसको एक ए की पर्टिकुलर टीम के मेंबर की तरफ रिलेट करेंगे कि हाँ यार ये ए टीम का मेंबर है। और अभी यहाँ से रेड टी शर्ट पहन के कोई गुजर रहा है तो हमें पता है कि हाँ यार ये बी टीम का है कोई, ठीक है, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये सी टीम का है या डी टीम का, हमको पता है कि हाँ ये बी टीम का है, इसकी रेड जर्सी है, रेड जर्सी वाली ये बी लेते, तो हम लोग साथ में ग्रुप करके साथ में ही टेंड टू हैव, आई एम सॉरी आई एम गेटिंग फंबल, हमको साथ में ही ग्रुप कर देते हैं, उनको एक जैसा ही मानते हैं, ठीक है।
आगे चल। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, किसी को दिक्कत दोनों में? नो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और गुड कंटिन्यूएशन। लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? दैट व्हेनेवर वी सी समथिंग इन अ लाइन और अ कर्व, वी आर एबल टू रिलेट इट मोर एज कम्पेयर टू थिंग्स दैट आर नॉट इन लाइन और अ कर्व। अब ये जहाँ जैसे यहाँ पे एक कर्व बना हुआ तो हमें पता है कि हाँ ये कर्व ऐसे 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 जाता रहेगा, वही अगर इन सर्कल्स को हम ऐसे 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 क्लस्टर्स में रख देते तो हम कुछ समझ पाते हैं इससे। अब एक लाइन ऐसे जा रही है तो उसे समझ आएंगे कि हाँ यार ये एक लाइन है, ये ऐसे जा रही है, ये इसको हम बोल भी सकते हैं कि हाँ ये लाइन है, इसको हम बोल भी सकते हैं कि हाँ ये एक कर्व है ये जो यहाँ बना हुआ है। बट अगर इसको ऐसे ही सर्कल्स को रख देते, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, उससे हम कुछ नहीं रिलेट कर पाते। तो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी या लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो बेसिकली ये कहता है कि हम जब किसी चीज को लाइन या तो कर्व में देखते हैं ना तो हम उन चीजों से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, समझ आया? समझ आ रहा है ना यार? यस यस यस। वरना पैसे भी कह सकते हैं कि जो चीजें पैटर्न में हो वो ज्यादा जल्दी हमें इंटरप्रेट करने के लिए इजी हो जाती है। यार पैटर्न का ना, मैं एक्चुअली पैटर्न का बोलूँ ना तो इसके अंदर सारे लॉज पैटर्न से रिलेटेड है। अगर आप पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे ना तो वो लॉ ऑफ क्लोजर में आ जाएगा। तो अगर इसने लाइन और कर्व बोला ना तो ये लाइन ऑफ और कर्व को ही लेके चलो आप, वरना प्रिंसिपल से कंफ्यूज हो जाओगे आगे चल के, क्योंकि ये अब आगे एक लॉ आ गया, लॉ ऑफ क्लोजर। इसमें अब ये बोलते हैं कि when we look at a complex arrangement of a visual element, we tend to look for a single recognizable pattern. तो भी इसमें हम pattern की बात कर लेते हैं, ठीक है? जब line और curve की बात की जाए तो law of continuity आ जाता है। Continuation से याद रखना, line continuation में चलती है, ठीक है? तो law of continuity वो हो जाती है। अगर pattern की हम बात करें तो वो law of closure हो जाता है, जहाँ पे हम pattern recognize करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दो चीजों को ये मिक्सअप मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तभी बोल रही हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा तो हाथ हाथ बता दो। समझ आ गया? हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे देखो, ये देख के क्या लग रहा है, ये क्या है? पैंडा। अब कोशिश करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, जैसे ये देख के पता चल रहा है कि हाँ ये एक पैंडा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ क्लोजर होता है ये पैटर्न रिलेटेड। जब लाइन और जब हम बात करें ना लाइन या कर्व की, वो हो जाता है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जब हम बात करें एक पैटर्न की तो वो हो जाता है एक पैंडा। अब जैसे मैं यहाँ पे ये बना दूं ऐसा, ये मैंने एक लाइन यहाँ की छोड़ दी, फिर भी आप इसको बोल देख के बोल सकते हो हाँ, आपको कैसे पता है क्यूब है? मैंने ये लाइन तो बनाई नहीं, यहाँ पे एक पैटर्न है ना क्यूब का, उसको देख के आप समझ गए हाँ ये क्यूब है। तो जो चीज आप पैटर्न को देख के समझ रहे हो वो क्लोजर में आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक किसी को? नो। आगे चले? हाँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज लॉ ऑफ कॉमन रीजन और कॉमन फेट। इसमें ना अब ये बोला गया है कि जब चीजें जो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है हम उन्हें एक ही ग्रुप में बिलोंग कर देते हैं, या हम उसको परसीव करते हैं कि हाँ ये लोग सब एक ही ग्रुप के हैं। अब जैसे एक ये रोड है, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है इमेज, ये एक रोड है, इस तरफ को कार जा रही है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या परसीव करेंगे कि हाँ ये इस तरफ को जा रही है तो ये सारे लोग जो है वो इसी तरफ को जा रहे होंगे, ये सारी की सारी जो गाड़ियां वो इसी डायरेक्शन की तरफ मुड़ रही होंगी। हम बोलते हैं ना जब कोई एक गाड़ी ऐसे को आ रही हो तो हम जब कोई एक गाड़ी अलग से ऐसे को आ रही हो तो हम बोलते नहीं कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में आ रही है। हाँ, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए क्यों होता है? वो रॉन्ग डायरेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो बेसिकली उन चीजों को साथ में परसीव कर लेता है जो सेम डायरेक्शन में चल रही हो। अब जैसे कोई परेड कर रहा है तो आपको कैसे पता चल रहा है कि हाँ डायरेक्शन उसी तरफ है, क्योंकि सारे उसी तरफ को जा रहे हैं।
हम उन लोगों को एक ही ग्रुप में मान लेते हैं, वो सब ये एक ही पर्टिकुलर, ये पूरा एक ग्रुप है जो इस तरफ को चल रहा है, ठीक है। पर ये भी तो पैटर्न ही हुआ ना, माने वो पैटर्न वो फिक्स नहीं हो रहा था तो उसको हम गलत थे करके। इस पैंडा के अंदर आपको ये कहीं नहीं दिखाया गया कि चार पांच पैंडास एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ, लाइन वाले को नहीं नहीं इसी की बात, मैंने सारे मिला के एकदम सही नहीं लग रहा यार कुछ में तो। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ, बार बार कभी पूछ रही हूँ मैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो सुनो, मैं शुरुआत से तुम्हें बताती हूँ एक चीज। नहीं नहीं शुरुआत में जो यहीं से बताओ यार, वापस से पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ हाँ वहीं से बता दो। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है, कंटिन्यूटी लाइन जो है, लाइन याद रखना, लाइन कंटिन्यूएशन में चलती है तो वो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, ठीक है। लॉ ऑफ क्लोजर की अगर हम बात करी जाए तो क्लोजर में ये याद रखना कि यार किसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें क्लोजर पे आना है, हमें कंक्लूजन पे आना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी एक पैटर्न को लेके की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर अगर हम लॉ ऑफ कॉमन रीजन या कॉमन फेट की बात करें तो कॉमन वर्ड से याद रख लेना कि यार एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ सारे जने जा रहे हैं, ये एक सिमिलैरिटी है, एक कॉमन एक डायरेक्शन है जिसकी तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। रुको, अभी अगर ऐसा हुआ, नॉर्मल ले लो चीटियां लाइन में चलती हैं तो सारी चीटियां एक ही तरह से दिखती हैं और वो एक ही लाइन में चलती, तो अभी ऐसा नहीं हुआ ना कि क्लोजर और कंटिन्यूटी दोनों मिल गए? ठीक है, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी। देखो ऐसे होता है कि जैसे पैटर्न तो हर किसी में ढूंढते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ पैटर्न है, गेसल को वही बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं। तो एक लाइन का पैटर्न हो गया, वो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, हम उसमें पैटर्न ढूंढे कि लाइन का, अगर अलग अलग चीजें हैं सर्कल्स हैं लाइन में तो हमें उसमें पैटर्न मिल रहा है लाइन का, ओके। अगर कोई शेप है जैसे पेंडा था तो उसमें एक पैटर्न मिला हमको पेंडा का, ओके। तो पैटर्न है लेकिन टाइप्स अलग अलग है पैटर्न के, जरूरी थोड़ी पैटर्न एक ही तरह का होगा, पैटर्न देखेंगे तो पेंडा ही ये सही है भी। हाँ। कि जैसे गाड़ियां जा रही है एक लाइन में तो एक पैटर्न है कि वो एक लाइन में जा रही है, और जो इस तरफ गाड़ियां आ रही है वो एक अलग ग्रुप है, इस तरफ की गाड़ियां एक अलग ग्रुप है। पैटर्न तो हर चीज में है ना, लेकिन पैटर्न के टाइप्स डिस्क्राइब कर रहा है। थैंक यू सो मच साल्विया, थैंक यू। अभी 15 मिनट में तुम मुझे ही बुला देते। चलो यार नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। दैट इज सॉरी यार। नहीं यार कोई नहीं कोई नहीं, ये मुझे पता था एक्चुअली परसेप्शन में ये होगा, इसी वजह से मैंने लास्ट क्लास कैंसिल करी थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे पता था भैया मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी अभी बैठ के, ना मैं इन्हें समझा पाऊंगी और खुद ही बोल जाऊंगी जो रटा पटा है मेरे को। तो नेक्स्ट जो है ना, दैट इज लॉ ऑफ गुड फॉर्म या प्रगैज। प्रगैज अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो अगेन करेक्ट मी प्लीज। प्रगनेज जो होता है वो एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है गुड फिगर। तो लॉ ऑफ गुड फॉर्म से ही याद रख लेना प्लीज, ठीक है, वो वर्ड दूसरा वाला गंदा है बड़ा। बेसिकली इसमें ये बोला गया है दैट योर ब्रेन विल परसीव शेप्स इन अ सिंपल मैनर एज पॉसिबल, ठीक है। अभी इसमें ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन जब भी किसी कॉम्प्लेक्स शेप की तरफ आएगा तो हम उसको ज्योमेट्रिकल शेप्स में या सिंपल बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होगी उसमें ब्रेक डाउन कर देंगे। अब जैसे ये ओलंपिक्स का सिंबल है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे, अब जिसको नहीं समझ आएगा वो इसको सर्कल मान लेगा नॉर्मली, ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पे ना यही बोला गया है कि लॉ ऑफ गुड फिगर जो होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल वेज ऑफ ग्रुपिंग स्टिमुली वी टेंड टू ग्रुप स्टिमुली इन द सिंपलेस्ट एंड स्टेबल शेप, वेर एज वी कैन से दैट सिंपलर फॉर्म्स आर मोर परसीव्ड बाय अस। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ परसीविंग अ फिगर perceiving figure 12 as consisting of 5 circle, we tend to perceive it as symbol of Olympic. जिसको पता होगा कि ये symbol of Olympic है तो वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये 5 circle है, या इसको अलग से सोच चुकी हाँ यार ये 5 circle है और उस तरीके से perceive करूँ। जिसको पता होगा वो यही सोचेगा कि अरे यार ये symbol of Olympic है, वो complexity में घुसेगा ही नहीं कि ये 5 circle ही क्यों है, या कि ये इसी तरीके से क्यों बने हुए हैं, या ये येल्लो अलग तरीके से येल्लो इस तरफ, येलो इस तरफ क्यों नहीं है और ग्रीन इस तरफ क्यों नहीं है, वो इस कॉम्प्लेक्सिटी में फंसेगा ही नहीं, ठीक है।
तो ये यही कहता है कि जब कॉम्प्लेक्स शेप आ जाती है ना, तो हमारा माइंड जो है वो सिंपलेस्ट और स्टेबल तरीके से उस स्पेसिफिक पैटर्न को या उस स्पेसिफिक शेप को परसीव करने की कोशिश करता है. ठीक है, समझ आ गया. कोई दिक्कत किसी को, अब बताओ. सारे लॉ में उसके मतलब ये हम लोग ग्रुप में ज्यादा इजीली समझ जाते हैं सिंगल के अलावा. मतलब जैसे छोटी छोटी चीजों को हम अवॉइड करके ग्रुप में ज्यादातर समझ जाते हैं. बेसिकली यार मुझे जो समझ आया ना, इस इनके लॉज में ना ये बताया गया है कि हम कैसे कॉम्प्लेक्सिटी से बचने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मुझे मेन यही समझ आया इनके सारे लॉज पढ़ने के बाद कि हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को देख के हम कैसे उससे बचने की कोशिश करते हैं और उसको सिंपलर बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वे ढूंढते हैं मतलब उसको डिफाइन करने के लिए कि ये हो सकता है. हाँ. अभी किसी को कोई दिक्कत? नो डाउट. ठीक है, समझ आ गया सबको? हाँ, सब क्लियर हो गया. अभी देखो मुझे पता है अभी जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा उसको बहुत दिक्कत हो रही होगी और बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी बेसिक लैंग्वेज में. दिक्कत से ज्यादा समझ सबको आ गया होगा, याद किसी को भी नहीं रहने वाला कौन सा क्या प्रिंसिपल है. तो मेरी अभी ना फिलहाल ये एडवाइस है, कल मैं क्लास लूंगी उसमें लास्ट के दो टॉपिक कवर करूंगी मैं, परसेप्शुअल कॉन्स्टेंसी वगैरह. ठीक है, बट उससे पहले एक बार ये लॉज आप लोग सब पढ़ना बुक से. ठीक है, बुक के अलावा भी आई वुड सजेस्ट कि एक बार यूट्यूब पे हर लॉ की अलग अलग वीडियोस देखना, ताकि आपको अलग अलग एग्जांपल्स मिल सके. जितने आपको एग्जांपल मिलेंगे उतना आपको या तो क्लियर होगा या उतना आप उसमें ढसते चले जाओगे. दो चीजें होंगी यार, देखो दोनों जो भी होगी आपकी फायदे की होगी, सीधी सी बात है. तो अभी मैं जिसके कोई डाउट वगैरह कुछ है तो वो पूछो अभी, इससे आगे और आज नहीं पढ़ाऊंगी. अभी कल दो टॉपिक बचे वो कल पढ़ाऊंगी. बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आज पढ़ा दी ना तो पगला जाओगे सारे के सारे.